हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो का टॉपिक है कि घर में जो मेन गेट होता है इसको कैसे पेंट करना है, कौन सा पेंट करना चाहिए। तो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपने रेग माल की ग्रिप बना लेनी है और गेट के ऊपर अच्छी तरह से रेग माल फेरना है। रेग माल आपने 120 नंबर का फेरना है ताकि जो गेट की सतह है बिल्कुल प्लेन हो जाए। और अभी जो आप रंग देख रहे हैं दरवाजे के ऊपर, ये कच्चा रंग है, इसलिए इसको उतारा जा रहा है ताकि इस पर रंग ना लगे जब तक इस पर पेंट ना हो। तो चलते हैं स्टेप नंबर टू की तरफ दोस्तों। फिर स्टेप टू में प्लास्टिक और पेरस से पुटीन का अमल होता है। जहां जहां सुराख होते हैं वो आपने भर देने हैं पुटीन से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर इस स्टेप में पुटीन के ऊपर आपने अच्छी तरह से रेगमाल लगाना है ताकि जो सुराख भर गए हैं उसके साथ एक्स्ट्रा पुटीन है वो साफ हो जाए। और साथ कपड़े से इसको साफ भी। स्पॉट में हमने स्प्रे पेंटिंग मशीन को चलाकर एयर गन में पेंट नहीं डालना, बल्कि खाली हवा से गेट को साफ करना है ताकि मिट्टी के ज़रात अच्छी तरह से साफ हो जाए, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि स्प्रे मशीन से गेट की सफाई कर रहे हैं। पार्ट फाइव में स्प्रे मशीन में पेंट मिक्स करके डालना है। गेट को पेंट करने के कई तरीके होते हैं, फॉर एग्जांपल डीको, ऑयल मेट, ऑयल पेंट, मेटेलिक, वुड पॉलिश। ये जो पेंट है ऑयल मेट है, इसकी पायदारी बाकी पेंट की निस्बत काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसकी शाइनिंग। पार्ट नंबर सिक्स में पेंट करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब आप देख सकते हैं पेंट करने के तीन कोट होते हैं, ये पहला कोट है। और इसी के साथ दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी मालूमात चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप ये कोट होते हुए देख सकते हैं, ये अभी फर्स्ट कोट है, ये डार्क ग्रे है। पेंट अमूमन घरों में यही पेंट इस्तेमाल होता है, बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है कि कौन सा पेंट कराए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मेन गेट का पेंट कंप्लीट हो गया है। ये वुड पॉलिश या डीको की निस्बत ज़्यादा शाइनिंग नहीं देता पेंट, लेकिन ऑयल मेट की मजबूती और पायदारी बाकी पेंट से बेहद अच्छी होती है। और इसे पानी वगैरह भी से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल पर मिल सके। शुक्रिया।